बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा कदम, 780 चिकित्सा संस्थानों के भवनों के निर्माण को दी स्वीकृति। इसके साथ ही यहां पर 1246.44 करोड़ लागत के कार्यों की निविदाएं की जाएंगी आमंत्रित, तो जिसको लेकर 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 64.33 करोड़ और 127 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 181.61 करोड़ और 608 उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 231.04 करोड़ और 2 जिला चिकित्सालयों के लिए 101.76 करोड़, 2 ट्रॉमा सेंटर के लिए 4 करोड़ और 2 सैटेलाइट चिकित्सालयों के लिए 43.26 करोड़। इसके अलावा 2 मात्र और शिशु चिकित्सालयों के लिए 35.32 करोड़। इसके अलावा इतना ही नहीं, 14 उप जिला चिकित्सालयों के लिए यहाँ पर 573.2 करोड़, 11 BCMO कार्यालयों के लिए 12.10 करोड़ रुपए के कार्यो के लिए निविदा की जाएगी आमंत्रित। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा कदम देखने को मिला है। दिनेश डांगी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा से जुड़े, यहां पर अस्पतालों से जुड़ी एक बड़ी सौगात देने का बड़ा कदम उठाया है, पूरी जानकारी। जी देखिए, बीते 4.5 साल में नो डाउट हेल्थ सेक्टर में राजस्थान सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किए, चाहे वो चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना हो या राज्य हेल्थ कानून लागू करना हो। तो अब आज सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है। 780 चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण को मंजूरी सीएम गहलोत के स्तर पर दी गई है और करीब 1246 करोड़ रुपए की लागत से इन कामों की जो टेंडर है वो आमंत्रित किए जाएंगे। और राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान की जो एक संकल्पना ली है उसको साकार करने की दिशा में ये बड़ा कदम, बड़ा फैसला लिया गया है। 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 64.33 करोड़ रुपए और 127 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए करीब 182 करोड़ रुपए, 608 उसमें उप स्वास्थ्य केंद्र और 2 जिला अस्पताल हैं। और साथ ही 4 ट्रोमा सेंटर के लिए 4 करोड़ राशि मंजूर की है। वहीं सैटेलाइट अस्पतालों के लिए भी 43.26 करोड़ रुपए और मात्र शिशु चिकित्सालयों के लिए 35.32 करोड़ रुपए और 14 उप जिला चिकित्सालय के लिए 573 करोड़ रुपए के आमंत्रित किए जाएंगे। एक बड़ी राशि रिलीज की गई है जिसके यानी 1246.44 करोड़ रुपए की लागत से 780 चिकित्सा संस्थान के भवन निर्माण कार्य है वो शुरू हो गए। उसके लिए निविदाएं आमंत्रित करने की मंजूरी सीएम अशोक गहलोत ने दी है। चलिए दिनेश, बने रहिए आप हमारे साथ, अगली बड़ी खबर का यहाँ रुख करते हैं। सीएम अशोक गहलोत का संवेदनशील निर्णय, कंप्यूटर ऑपरेटर में मशीन पद पर कार्यरत 350 कार्मिक का बनेंगे डेटा एंट्री असिस्टेंट। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों को राहत दी है। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के तहत ये लिया जाएगा इन कार्मिकों को और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दिनेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए डेटा एंट्री असिस्टेंट का भी यहाँ पर मासिक पारिश्रमिक 10,000 करके 400 रुपए तक निर्धारित किया है, कई यहाँ पर प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, तो ऐसे में पूरी जानकारी इस पर भी दी है, सौगातों पर सौगाते। जी देखिए, मनरेगा के तहत जो कार्मिक है कार्यरत उनको बड़ी राहत दी है सीएम अशोक गहलोत ने, उनको सौगात दी है। और कंप्यूटर ऑपरेटर में मशीन पद पर ये 350 कार्मिक है अब वो डाटा एंट्री असिस्टेंट बनेंगे। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के तहत इन कार्मिकों को ये राहत दी जाएगी, ये फायदा इनको मिलेगा। इस प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत ने हरी झंडी दे दी है। वहीं डाटा एंट्री असिस्टेंट का जो मासिक पारिश्रमिक है वो अब 10,400 रुपये उनको हर महीने दिया जाएगा, यह भी निर्धारित सीएम अशोक गहलोत ने किए, तो बड़ी राहत और तोहफा सीएम अशोक गहलोत की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बेहद ही संवेदनशील निर्णय लिया और कई सौगात